चैनल पे वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी पे। इस वीडियो में हम जो स्मार्ट टीवी में नॉर्मल रिमोट होता है उसकी डेमो जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सेटिंग वाला बटन है ऊपर और रेड वाला ऑन ऑफ का रहेगा, और राइट हैंड पे जो है वो इनपुट का बटन है, नीचे वॉल्यूम का बटन है, एक होम का बटन है। ठीक है, ये मेन बटन जिस पर मैंने टिक कर रखे हैं ये आपको याद रखने हैं। और आगे इसी रिमोट पर मैं नीचे ले जाऊँगा आपको थोड़ा, तो इस तरह से आपको शो होगा। देखिए कुछ इस तरह से शो होगा, एक होम वाला बटन होगा नीचे और ओके का बटन होगा, और जहाँ एरो लिखे हुए हैं वहाँ राइट और लेफ़्ट कर सकते हैं आप, और ऊपर की साइड जो एरो है उससे ऊपर और नीचे कर सकते हैं, बीच में ओके वाला बटन होगा। तो ये बटन आपको याद रखने हैं, उसके बाद ही जो बटन आपको मैं बोलूँगा आपको वो प्रेस करना है और टीवी के उस टीवी में ऑपरेट करते रहना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फाइनली हम एलईडी की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इस ये मॉडल जो एलईडी है 560, 561 और 563, ये तीन मॉडल जो हैं उसके लिए डेमो होगा जिसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो सबसे पहले आपको इनपुट वाला बटन दबाना है और होम डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाना है। होम डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा यहाँ पर आपको, और देखिए यहाँ जब आप शो होगा आपको तो यहाँ पर देखिए HDMI 1, 2, 3, 1, 2 HDMI मिलेंगे और एक कॉम्पोनेंट मिलेगा और एक AV मिलेगा। यहाँ लाइव टीवी का कोई काम नहीं है, और टीवी स्पीकर में जो हम स्पीकर में वॉइस लेते हैं इसमें ब्लूटूथ नहीं है। और HDMI 1 और 2 इस पर आप सेट टॉप बॉक्स या कैमरा चला सकते हैं, और नीचे AV दिखेगा आपको, और AV पे सेट टॉप बॉक्स चलेगा आपका, और कॉम्पोनेंट का भी कोई काम नहीं है। पहले 5-3 वाले VCR यूज़ होते थे हमारे। यहाँ LG ThinkUI है, अगर जब आप कोई स्मार्ट डिवाइस लेते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो सेटअप बॉक्स जो भी हम सोर्स इसके अंदर यूज़ करेंगे वो आ जाएगा। अब सीधा मैं बैक आ गया, अब यहाँ नॉर्मल स्क्रीन आ गई, यहाँ HDMI 1 पे सेलेक्ट है अभी, राइट। अभी यहाँ आपको सेटिंग वाला बटन दबाना है, सेटिंग वाला बटन दबाएंगे कुछ इस तरह से शो होगा। सबसे पहले आपको पिक्चर मिलेगा, यहाँ पर पिक्चर में कलर होते हैं जी, हाँ आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, APS रखना चाहते हैं आप, या फिर सिनेमा रखना चाहते हैं, क्रिकेट मोड रखना चाहते हैं, या गेम मोड रखना चाहते हैं, ये HDR इफ़ेक्ट रखना चाहते हैं, या एक्सपर्ट ब्राइट होता है जो कलर उस वो रखना चाहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड रखें। दूसरे नंबर पे आएगा एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो आपको हमेशा 16:9 रखना है, ओरिजिनल में या 4:5 में छोटा बड़ा होता रहेगा, वर्टिकल जूम हो जाएगा यहाँ पर, ये जूम होगा या ज़्यादा जूम हो जाएगा, तो 16:9 जो है वो इसका ओरिजिनल रेशो है, वही रखना है। सिनेमा के अंदर आप जाएंगे, ये वॉइस साउंड होती है, सिनेमा में आप म्यूज़िक रखना चाहते हैं या गेम मोड रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड में DTS वर्चुअल साउंड भी आप सराउंडिंग भी ऑन कर सकते हैं, तो मैंने ऑन कर दिया। या गेम मोड में आप चले जाएंगे या फिर स्टैंडर्ड में, मैं दोबारा आ जाता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं दोनों में। अब नीचे साउंड आउट, साउंड आउट का मतलब होता है किस में आप वॉइस लेना चाहते हैं, जैसे कि टीवी इंटरनल टीवी स्पीकर में हमें वॉइस लेनी है, या फिर ऑप्टिकल वायर के थ्रू जब होम थिएटर यूज़ करते हैं आप तो ऑप्टिकल वायर से ले सकते हैं। HDMI ARC होता है, HDMI किसी के पास होती है होम थिएटर के अंदर लगती है, जिसमें HDMI पोर्ट लगता है उससे, या फिर वायर से हेडफोन से, या जिसको हम ऑक्स भी बोलते हैं, जैसे होम थिएटर में आप वॉइस लेना चाहते हैं तो ऑक्स केबल से वॉइस ले सकते हैं। नीचे स्लिप टाइमर आएगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं ज़्यादा, ये ऑफ है, अगर इसको ऑन करते हैं आप तो फर्स्ट टाइम इसका यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हैं कितना टाइम के लिए, तो इसका इतना बेनिफिट नहीं है। नीचे डायरेक्ट मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन दिखेगा, और यहाँ वायर्ड का दिखेगा और वाईफाई का कनेक्शन दिखेगा, दोनों आपको दिखेंगे। सबसे पहले टीवी का नाम आ जाएगा, नीचे वायर्ड कनेक्शन आ जाएगा, और उसके नीचे आपको वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, जो भी आपका वाईफाई होगा नियर बाई वो आ जाएगा, या फिर 3G या 4G डोंगल जो चलते थे वो आजकल उनका काम नहीं रहा इतना, तो वाईफाई कनेक्शन में हम सीधा चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी मेरा कनेक्ट ऑलरेडी है वाईफाई, जिस पे राइट का क्लिक दिख रहा है। सपोज़ करो कोई और है तो यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे कि कोई भी पासवर्ड होगा और एंटर कर देंगे, तो मेरा तो ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी कनेक्ट है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ से आपको सीधा होम वाला बटन जो मैंने आपको बता रखा है वो होम वाला बटन प्रेस करना है। जब होम वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से लॉन्चर बार आपको दिख जाएगा,
जो कि मेन है सारा गेम इस होम वाले बटन का ही है, जो नेट यूज़ करेंगे आप वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ राइट करते रहेंगे राइट एरो, तो यहाँ पे पिंक कलर का आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ यूट्यूब आ गया, पिंक कलर का एलजी कंटेंट स्टोर है, जो भी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी सारी एप्लीकेशंस यहीं से ही मिलेंगी, क्या यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन प्राइम हो, हॉटस्टार हो, जी फाइव हो, जो एप्लीकेशन होंगी सब यहीं मिलेंगी। एडिशनल आप कोई भी इसके अंदर एप्स नहीं डाउनलोड कर सकते, क्योंकि ये वेब ओएस है, ये हमारा स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड टीवी नहीं है, तो इसमें जो एप्स हैं वही हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीसरी लाइन में आपको यूट्यूब मिल जाएगा, देखेंगे तो आप यूट्यूब ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, अब करना चाहें तो आप इसको ओके कर देंगे यहाँ से, तो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा यहाँ से, यहाँ रेड कलर का जो पिंक कलर का हुआ है लॉन्च, यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आने के बाद अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड पे आपके सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे ऊपर की साइड में एक ये सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं। सपोज़ करो मैं लेता हूँ यहाँ पे WWT कहाँ है स्पेस, अगर आप नीचे आएंगे तो ये स्पेस देने के लिए रख रखा है, और राइट हैंड पे इसके फिर क्लियर कर दे रखा है, और राइट उसके अंदर राइट हैंड पे सर्च वाला, तो यहाँ मैं लिखता हूँ AS, जो भी आप टाइप करना चाहते हो यहाँ इस तरह से टाइप करते हो, राइट हैंड की जो आपको मैंने की बताई थी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ये सारा एरो से आपको करना है, और बीच में ओके वाला बटन दबाना है। देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर लिया, ये इस तरह से आ जाएगा। अब कुछ भी आपको चलाना हो उस पर ओके कर दोगे, तो देखिए मैंने अपनी वीडियो चलाई है यहाँ पर और वो आ चुका है। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। आप बैक वाला बटन भी है इसके अंदर, बैक उस पर लिखा हुआ है, आप बैक करना चाहो तो बैक कर सकते हो, तो यहाँ बैक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारी वीडियोस आ गई, राइड करते रहोगे, जो भी आपको देखना है जिस जहाँ भी जाना है वहाँ से आप कर सकते हो उसको। अब मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट गूगल पे ले जाऊँगा। गूगल पे आप जैसे जाएंगे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड पे ये गूगल है, यहाँ पे वेब ब्राउज़र लिखा होगा, तो वेब ब्राउज़र को यहाँ लॉन्च करोगे, आप लॉन्च करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जब यहाँ आप शो होगा तो देखिए यहाँ गूगल दिख रहा है आपको, फेसबुक दिख रही है, ये गूगल में मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे। एक चीज़ और आपको मैं आपको बताऊँगा इसमें, यहाँ गूगल में भी आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा माउस बन के आ जाएगा ऊपर में, यहाँ देखिए एक ये सबसे ऊपर आपको मिनी टीवी दिखेगा, यहाँ मिनी टीवी, जैसे यहाँ मिनी टीवी पे ओके करेंगे तो साइड में टीवी जो आप सेटअप बॉक्स चलाएंगे या फिर कैमरे चला रहे हैं, गूगल पे भी काम कर सकते हैं इसको, और अपने मिनी टीवी पे भी काम कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। अब यहाँ आप कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड में जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर आप इजीली ले सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए यहाँ टाइप कर दिया है, इस तरह से आपको टाइप करना है, बैक का है, यहाँ से एंटर करना है तो नीचे दे रखा है, अगर 1 2 3 लेना है तो लेफ्ट से चले जाओगे, स्पेस देना है तो नीचे आ जाओगे, पूरा जैसे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड बना होता है सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ भी सर्च करा है यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको, जो मॉडल है ये डेमो जिसकी है 560 मॉडल की है, 563 की है, 561 की है, जिसमें मैजिक मोशन रिमोट नहीं है, ये उस वाले रिमोट की उस टीवी की रिमोट की डेमो है, और इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं जो भी, जैसे www.youtube.com सर्च करना है आपको या फिर कुछ और सर्च करना है, यहाँ पे ये गूगल में आपका आ जाएगा। देखिए YouTube आ गया है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने सर्च करा था YouTube में, तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।